नमस्कार दोस्तों, अगर आप BHMS कर रहे हैं या इंटर्नशिप में हैं या BHMS कर चुके हैं तो आप चाहते हैं आगे चल के होम्योपैथिक क्लिनिक खोलना या अभी होम्योपैथिक क्लिनिक खोलना, तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि कैसे अपनी होम्योपैथिक क्लिनिक खोल सकते हैं और मैंने अपनी होम्योपैथिक क्लिनिक खोलने की स्टार्ट कैसे की थी और मेरी जर्नी कैसी रही मेरी खुद की क्लिनिक की। तो आज मैं इसी के बारे में कुछ आपसे बातें करूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम BHMS करते हैं और जब हमारा सेकेंड ईयर निकल जाता है, जब फर्स्ट प्रॉफ होता है तब आराम से गुजरता है, कोई टेंशन नहीं होती। सेकेंड प्रॉफ होता है तब भी आराम से गुजरता है, कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जैसे ही थर्ड प्रॉफ आता है हमें टेंशन होना चालू हो जाती है कि आगे हमारा क्या भविष्य होगा, हमें क्या करना है, हमें होम्योपैथिक क्लिनिक खोलना है या हमें होम्योपैथी की तरफ जाना है। तो कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा असमंजस का स्थिति बनी रहती है दिमाग में, हर चीज़ें चलती रहती हैं। सीनियर्स बोलते हैं कि आप एलोपैथी करें, कुछ सीनियर्स बोलते हैं नहीं आप होम्योपैथी करें, कुछ सीनियर्स बोलते हैं नहीं आप क्लासिकल करें, कुछ सीनियर्स बोलते हैं नहीं आप सिम्टोमेटिक करें, कुछ सीनियर्स बोलते हैं कि कुछ और करें। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है मामला और ये कॉम्प्लिकेशन दोस्तों फिर फाइनल ईयर में और ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा दिमाग में चलने लगता है कि अब आगे क्या करेंगे। हमारा फाइनल ईयर कंप्लीट होने वाला है, फिर इंटर्नशिप आ जाती है और इंटर्नशिप में दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि आगे चल के क्लिनिक कैसे सेटअप करेंगे, कैसे लगाएंगे और कैसे हमें होम्योपैथी करना चाहिए। काफ़ी लोग हमें डराते भी हैं कि आगे चल के होम्योपैथी में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, पेशेंट नहीं ठीक होते, रिजल्ट नहीं मिलता। तो बहुत सारी चीज़ें एक स्टूडेंट के दिमाग में चलती रहती हैं और वही मेरे दिमाग में भी उस समय चलती थी जब तक मैं इंटर्नशिप में था। दोस्तों, जब मैं इंटर्नशिप करके निकला अपने कॉलेज से तब मेरे पास डिग्री थी और मैं घर चला आया था। धीरे 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 मेरे दिमाग में चला कि नहीं, अब क्लिनिक खोलना चाहिए, समय ज़्यादा हो गया है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि कहाँ क्लिनिक खोलूँ। घर मेरा जहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल हूँ बीरसिंहपुर पाली में, वहाँ से घर मेरा थोड़ा दूर था, लगभग 10 किलोमीटर दूर था नौरोज़ाबाद में। मैंने देखा पहले, मुझे लगा नौरोज़ाबाद में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो मुझे लगा बीरसिंहपुर पाली में ठीक ठाक स्कोप है, तो मुझे लगा बीरसिंहपुर पाली में खोलना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जगह चूज़ करना है, तो बस मैंने फिर चालू कर दिया। पाली में आया, देखा कहाँ क्या कितना है। फिर उसके बाद एक्चुअली में मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे और पापा ज़्यादा पैसे देने की बात भी नहीं थी। तो कोई भी अगर आप क्लिनिक खोलेंगे, दुकान की किराया देना पड़ता है और पगड़ी देनी पड़ती है हर सिटी में। तो पगड़ी जो थी वो मार्केट में थोड़ी ज़्यादा थी और इस कारण से मैं थोड़ा सा मार्केट से किनारे में, अभी भी वही क्लिनिक है मेरी, और थोड़ा सा मार्केट से किनारे गया तो मेरी पगड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। 10,000, 12,000, 20,000 अप्रॉक्स इतनी थी, 20,000 पगड़ी थी मेरी और लगभग किराया था उस क्लिनिक का जिसमें अभी भी मेरी क्लिनिक है उस समय था 1,000, अभी लगभग 2,000 से 3,000 हो गया है उसका किराया। तो बहुत सस्ता और मुझे ठीक लगा कि चलो मैं अपनी क्लिनिक से 1,000 तो कम से कम निकाल लूँगा। और तो मैंने सोचा नहीं ठीक है, अब इसको ले लेते हैं। मैंने वहाँ पर पगड़ी दी और उसके बाद लिया, मैंने दुकान ले ली थी। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा था कि मेडिसिन कहाँ से लेना है। तो मेडिसिन के लिए उस समय भी गूगल था, मैंने सर्च किया होम्योपैथिक कंपनीज़ और उसके बाद बहुत सारी कंपनी आई। और उस समय एक्चुअली में मुझे ज़्यादा पता नहीं था, सिर्फ कंपनियों के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था, SBL, WSI, ये 2-3 कंपनियों के बारे में पता था। फिर मैंने WSI का कस्टमर केयर नंबर गूगल में सर्च किया, उसमें मुझे एक कस्टमर केयर नंबर मिला, मैं वहाँ से बात किया उनसे किसी रीजनल हेड, MP का रीजनल हेड कोई, WSI का नाम मुझे याद नहीं है, तो मैंने उनसे बात की। फिर उसके बाद एक MR थे जबलपुर में, उनसे बात की। उनसे बात करते करते पता चला कि एक कोई पैकेज आता है WSI का, अभी मुझे पता नहीं है कि वो आता है कि नहीं, उस समय आता था 12,000 का। 12,000 में अप्रॉक्स आपको 100 डाइल्यूशन मिलते थे, मुझे एक्चुअल क्वांटिटी याद नहीं है, तो 100 डाइल्यूशन थे और साथ में कुछ मदर टिंचर्स थे और बायोकेमिक मेडिसिन थी 6x पोटेंसी में, पौंड में लगभग 12 की 12। तो मैंने उनको 12,000 दे दिए, ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद लगभग 1 महीने लगा मुझे, क्योंकि वो ऑर्डर बाहर से आता है, सीधे डीलर से नहीं मिलता, तो 1 महीने मुझे उसमें लगा। 1 महीने की रेंट मेरे पापा ने दी, क्योंकि 1 महीने ज़्यादा लग गया। 1 महीने बाद दवाई आई, दवाई आने के बाद मैंने रैक वगैरह खरीदी, ज़्यादा पैसे मैंने नहीं लगाए। और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप शुरुआत में क्लिनिक खोलते हैं, आपके पास पैसे हैं बहुत ज़्यादा तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल एक रैक या दो रैक आपको ख़रीदनी है और उसमें आपकी
मेडिसिन जो है वो जमा देनी है एक सिंपल सा ऐसा टेबल जो यहाँ पर है, ये टेबल सिंपल सा एक टेबल रखना है और एक कुर्सी रखनी है और बाकी पेशेंट को बैठने के लिए आप जैसी व्यवस्था बनाना चाहें वैसी व्यवस्था बना सकते हैं। तो आपकी एक फार्मेसी हो जाएगी आपके पीछे, तो वहाँ पर आपकी मेडिसिन रखी रहेगी और मेडिसिन की क्वांटिटी और क्वालिटी आप शुरुआत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। कंपनी का चयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शुरुआत में। अगर आप क्लिनिक खोलते हैं तो शुरुआत में खासकर आपको कंपनी का जो चयन करते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप डॉक्टर रेकवेक की यूज़ करिए, अगर कम पैसा है तो WSI की कम से कम आप डाइल्यूशंस यूज़ करिए। शुरुआत में डाइल्यूशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपने फार्मेसी बना ली और उस समय मैंने भी फार्मेसी बना ली और फिर उसके बाद क्लिनिक चालू हो गई। तो बस ऐसे ही क्लिनिक मैंने चालू कर दी थी। एक टेबल थी, एक कुर्सी थी मेरे बैठने के लिए और चार कुर्सियाँ घर से ही ले आया था मैं, क्योंकि घर में एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी वो चार की चार कुर्सियाँ, तो पेशेंट के बैठने के लिए चार कुर्सियाँ ले आया था। अप्रॉक्स मेरा जितना एस्टिमेट लगा था तो अप्रॉक्स 12,000 और 20 अप्रॉक्स मेरा लगभग 35,000 के अंदर, 35-40 के अंदर मैंने क्लिनिक खोल ली थी। और इसमें मेरी पगड़ी भी थी जो कि वापस मिलेगी मुझे जब भी मैं क्लिनिक बंद करूँगा, हालांकि वो समय बहुत समय लगेगा उसमें और जब भी बंद करूँगा तो, लेकिन उस समय मुझे लगभग 40,000 अप्रॉक्स लगा था। 40,000 में मैंने अपनी क्लिनिक सेटअप कर ली थी, पेशेंट्स आने चालू हो गए थे। अब जब शुरुआत में पेशेंट्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है पेशेंट्स आने में। मुझे पहला पेशेंट देखने में अप्रॉक्स लगभग 3 से 4 दिन लगे थे। 3 से 4 चौथे दिन कोई एक पेशेंट मेरे पास आया था और फिर शायद मुझे जहाँ तक याद है कि वो पेशेंट भी नहीं थे, वो एक कस्टमर थे और वो कुछ दवा लेने आए थे, शायद बोरेक्स या नक्सवोमिका या दो में से एक कोई मेडिसिन है, तो वो लेने आए थे। मैंने उनको बोरेक्स और नक्सवोमिका हंसते हुए दी और 10 रुपये लिए सिर्फ, और उसके बाद बहुत अच्छा लगा, पहले पहली कमाई थी। उसके बाद धीरे 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 पेशेंट्स आना चालू हो गए। अप्रॉक्स पहले महीने में मैंने लगभग 1200-1300 रुपये कमाए थे, उसमें से मैंने रेंट भर दिया था, मेरी गाड़ी का पैसा नहीं भर पाया था गाड़ी से। एक्चुअली में क्या है कि मेरे क्लिनिक से घर का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर था, तो मेरी जो गाड़ी का पेट्रोल लगता था वो घर से देना पड़ता था। लगभग 3 महीने तक मैंने पेट्रोल का खर्चा घर से लिया था, उसके बाद फिर मैंने पेट्रोल का खर्चा भी चालू हो गया, क्लिनिक से ही आने लगा। तब तक मैंने और मेडिसिन नहीं मंगाई थी, तो यानी मेडिसिन भी मंगानी पड़ती है, जैसे खर्च हो जाती है मेडिसिन तो मेडिसिन भी मंगानी पड़ती है। तो मैंने मेडिसिन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं मंगाई थी, थोड़ा थोड़ा चलता था तो चलने देता था। उसके बाद लगभग 1 साल बाद, 1 साल बाद ऐसी स्थिति आई कि लगभग 6 से 6,500 रुपये मैं क्लिनिक से कमाने लगा था। नेक्स्ट ईयर यानी दूसरे साल में अप्रॉक्स मुझे मान लीजिए कि वही 8-8,500 रुपये बचने लगा मेरे क्लिनिक से, और इतना क्लिनिक से आने लगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में तीसरे चौथे साल में मुझे लगभग 15,000 से 20,000, अप्रॉक्स 15,000-20,000 होने लगे। और अब मैं जितना कमा रहा हूँ वो तो आप जानते ही हैं, ठीक ठाक कमा रहा हूँ, मतलब घर चल जाता है और सब कुछ चल जाता है तो बढ़िया है। और ऐसे ही क्लिनिक चलती है। अगर आपको क्लिनिक चलानी है तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आगे चल के आपको लॉस हो जाए। दोस्तों ये तो हो गया आप क्लिनिक कैसे सेटअप किया और कितना क्या क्या, अब चलते हैं पेशेंट आते हैं तो क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जब पहला पेशेंट आता है तो उससे हंस के मुस्कुरा के बातें करना चाहिए और उसको समझना चाहिए। शुरुआत में आपको पेशेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पेशेंट को समझिए और उससे एक फैमिली टर्म बनाइए। और पैसे आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि शुरुआत में आप पैसे के तरफ ध्यान ना दें। पैसा हमेशा आता है, आगे चल के आता है, पूरी लाइफ आता है, लेकिन शुरुआत के 3-4 साल आपको पैसों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ रिलेशनशिप बनानी है। कोई एक बंदा आता है आपके पास पेशेंट बन के, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको बुखार है तो बुखार की आपने मेडिसिन दी, चाइना चिराता, इचिनेशिया बैप्टीशिया और बहुत सारी ब्राइनिया एकोनाइट, तो बहुत सारी आपने मेडिसिन दे दी जो भी आपको सही सूटेबल लगी, वो ठीक भी हो गया। उसके बाद वो दोबारा आया, फैमिली को लेके आएगा, वो बच्चों को लेके आएगा, बड़ों को लेके आएगा, तो उनसे भी टर्म बनाइए। फिर वो अपने चाचा को लेके आएगा, मामा को लेके आएगा, फिर ऐसे चलते आप एक फैमिली डॉक्टर बन जाएंगे। और यही मैंने भी किया। एक आदमी को आप पकड़िए, जो भी पहला आदमी आता है उससे अच्छे से बात करिए, उसको ठीक करने की कोशिश करिए,
नहीं ठीक होता तो दोबारा बुलाइए, कम पैसे लेंगे तो दोबारा भी आएगा, अगर एकदम से आपने उससे बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए तो दिक्कत होगी, दोबारा आने में वो सोचेगा। मेरा ये रिकमेंडेशन है आपको कि कभी आप क्लिनिक खोलें तो शुरुआत में बिल्कुल कम पैसे लें और पेशेंट को ज़्यादा ध्यान दें, पेशेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आप ऐसा नहीं कि दो तीन पेशेंट बैठे हैं तो एक को आप जल्दी छोड़ दें, तो शुरुआत में बिल्कुल ऐसा ना करें, आराम से समय लें, पेशेंट को आराम से देखें और सोचें समझें और दवाई दें और उससे बातें करें। उसके बाद जब वो पेशेंट ठीक होगा तो अपनी फैमिली को लाएगा, फिर बगल वाले, फिर अगल वाले, फिर ऐसे करके आपकी क्लिनिक धीरे 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 चलने लगेगी। तो पेशेंट्स पे अच्छे से ध्यान दें, केस पे अच्छे से ध्यान दें, क्या हो रहा है पेशेंट को बहुत ही अच्छे से ध्यान दें। और एक टिप और है दोस्तों, आगे चल के मैं इस पर एक दो वीडियो और बनाऊँगा, तो ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट और आएगा। लास्ट में मैं आपको एक और टिप देता हूँ कि शुरुआत में एक्यूट केसेस में बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कोई सर्दी का पेशेंट आता है, दस्त का पेशेंट आता है, डायरिया का आता है, इस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं। सर्दी का पेशेंट आया, आपने एलियम शिपा दी, कालीबिस्टेटी दी, एकोनाइट दी, डलका मारा दी, रक्सटॉक्स दी, जो भी आपने मेडिसिन दी सेलेक्ट करके दीजिए और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दो दिन, एक दिन, दो दिन में सर्दी का पेशेंट ठीक हो जाएगा। उसको ठीक करना है, आपको एक्यूट पेशेंट को ठीक करना है। दोस्तों ऐसे ही क्लिनिक चलाई जाती है और मैंने आपको बता दिया कि शुरुआत में कैसे क्लिनिक मैंने चलाई। धीरे 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 होता है, ये प्रोसेसिंग चलती रहती है और इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप एकदम से आप करोड़पति या लखपति बन जाएंगे। करोड़पति तो बनने की बात ही दूर है, लखपति एकदम से बन जाएंगे या एकदम से आपको 40,000 50,000 रुपये आने लगेगा या एकदम से आप बहुत ज़्यादा पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और पेशेंस रखिए, समय दीजिए, पेशेंट को अच्छे से देखिए, अच्छे से केयर करिए पेशेंट की। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपकी क्लिनिक अच्छे से चालू हो जाए और बहुत ही अच्छे से रन करे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना मत भूलिएगा, और बगल में एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके उस बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर का बटन है, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक में। दोस्तों नीचे एक कमेंट सेक्शन है, तो कुछ भी आपको पूछना हो, अगर आपको क्लिनिक खोलनी है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।